चलिए चलिए शुरू करते हैं। Hey, what's up, guys? Welcome back to another video. तो कैसे मेरे भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम लोग एक नए फ्लायर को टीम करने वाले हैं। वैसे सच बताऊँ तो यार वो मेरे लिए नया है, आप लोगों के लिए पुराना है। बिकॉज यार देखो, मैंने कभी अर्जेंट एविस और ट्रेनर जन छोड़ के कोई और फ्लायर को टीम नहीं किया, एंड ना ही मैंने यूज़ किया है, ना ही मल्टीप्लेयर, ना ही सिंगल में। इसकी बहस की डांग मारो, ये बंदा किस पोजिशन में बैठ गया यार, लिटरली बहुत फनी लग रहा है देखने में। तो छोड़ो यार, तो देखो आज हम लोग टैपियारा टीम करने वाला है। एंड सेकेंड वन, बहुत सारे बंदों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि इसके 3 अटैक्स हैं, आई डोंट नो 3 या 2 अटैक्स है, पर जो भी हम लोग आज ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला ही तो ये इस ऑरेंज रंग का स्मोक छोड़ता है, स्मोक ही छोड़ता है या फिर कुछ और करता है, आई डोंट नो, समझ रहे हो। तो यार मैंने इसका सेकेंड अटैक भी देखा है जिससे ये इनविजिबल हो जाता है। अब मेरे को ये देखना है कि उस अटैक से होता क्या है, मैं किसी डैनो को हिट करूँगा एंड वो अटैक यूज़ करूँगा तो मैं उस डैनो को दिखूँगा नहीं, या फिर कोई कुछ और है चीज़, आई डोंट नो। तो मेरे को वहीं पे जाके पता चलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई डायनोस नहीं दिख रहे, आई डोंट नो कहाँ चल गए यार सारे डायनोस। जब भाई मेरे को एक्सपेरिमेंट करना रहता यार, तो रहो यार, मेरे को मिलते ही नहीं है, पता नहीं कोई। तो भाई यहाँ पे अपना पैची का भाई मिल चुका है ट्राइक, सो इसको मार के ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, पता नहीं क्यों। तो ये देखो, ये आई थिंक काम कर जाए। भाई मैं छुप चुका हूँ, भाई मैं छुपा हूँ, मेरे को मार मत। अबे ये चार्ज अटैक कर रहा है भाई, मैं घंटा छुपा हूँ इससे। भाई यार ऊपर में काहे का हिडन लिखा हुआ है यार, मार खाए जा रहा है ये बंदा लिटरली। भाई मैं मेरे को नहीं यूज़ करना भाई इस ये बेकार डैनो है लिटरली, एक ही चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, किसी एग्रो करा सकता हूँ भाई, ये बेकार डैनो यार, मत टेम करो इसको। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया भाई, ये मार खाए जा रहा है हिडन होने के बाद भी। तो भाई छोड़ो इस डैनो को भाई, ट्राई नहीं करना भाई, जिसमें दम नहीं हो भाई ट्राई करे उसको। सो यहाँ पे अभी टैपियारा टीम करने के लिए मेरे को गिली सूट चाहिए, एंड गिली सूट के लिए हम लोग को पॉलीमर लाना पड़ेगा, टू से ऑर्गेनिक पॉलीमर, ताकि यार हम लोग गिली सूट बना सके। एंड गिली सूट के बिना आई थिंक सो पॉसिबल नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा हम लोग को टीम करना। तो चलो यार मैं जल्दी से जाता हूँ स्नो बैम में, एंड वहाँ से ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई यार हम लोग स्नो बैम में आ चुके हैं, एंड ये वाला देख लो, ये एक मिनट सॉरी, ये वाला भाई ऑयल का आईडी, कि यहाँ पे आप आके ऑयल फार्म कर सकती हो, जहाँ पे यार पेंगुइन्स मिलेंगे वहाँ पे आप आराम से पॉलीमर फार्म कर सकते हो। एंड रुक जाओ मैं लोकेशन बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। तो भाई यार हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर के फार्म में, एंड यहाँ पे जस्ट आपको आना है और भाई हार्वेस्ट करते रहना है, ठीक है। यार देखो पेंगुइन्स आइलैंड है, ठीक है, मैं मजाक से बोल रहा था ऑर्गेनिक पॉलीमर के फार्म में। तो यहाँ पे आना है, एंड जैसे आप इसको हार्वेस्ट करते हो आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलेगा, एंड अपने डायनोस में डाल देना जल्दी से, बिकॉज इसका स्पॉइल टाइम जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है, बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, मेरा मतलब जो भी था, ठीक है। तो ये देख लो, लोकेशन भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ऊपर में टॉप पे है ये आइलैंड जो भी है। एंड इसी के साथ यार एक और टिप्स देना चाहूँगा, आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए तो आप अपने साथ वुडन क्लब लाओ, ताकि यार देखो उससे अब अगर हार्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा साइज से मिलता है, मैंने देखा है कहीं, अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई हम लोग बेस पे आ चुके हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर को लेके, एंड देख लो यार कितना सारा ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो अभी जल्दी से इसको स्मिथि में डाके डाल देते हैं, ठीक है। वैसे यार मेरे को पता नहीं लिटरली किस पे बनता है अपना गिली सूट, तो मैं स्मिथि में डाके डालता हूँ, एंड देख लेते यार अपना खुला हुआ है कि नहीं, मेरे को पता नहीं यार लिटरली खुला है, मैंने खोल के रखा है कि नहीं। सो एक मिनट, ओके 33 लेवल पे खुलता है, एंड मैंने खोल के भी रखा है। तो चलो अभी जल्दी से बना लेते हैं, ये तो भाई इन्वेंटरी में बनता है, मैंने फालतू का लाया यहाँ पे। सो हाइड और फाइबर ही चाहिए थे जस्ट, तो यहाँ से मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर निकाल लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, एंड भाई मेरे को आई थिंक सो 3-3 सेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज वाइपर और मेथिक भी हैं, तो कहीं भाई अगर वो लोग उंगली करने गए एंड कहीं टैप यार उड़ गए तो भाई उन लोग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए यार उन लोग के लिए भी बनाना पड़ेगा। एंड ये देख लो यार अभी जल्दी से ड्रेस बना लेते हैं। तो भाई ये देख लो अपना फाइनल लुक, ठीक है। भाई रैप्टर लेके कौन उड़ रहा मेरा यार, पता नहीं छोड़ो। सो यहाँ पे भाई मेरे को जो गिली सूट जब पहना एंड मेरे को अपना फेस जब देखा तो भाई थोड़ा सा वियर्ड लुक दे रहा है, थोड़ा सा मेरा फेस जो दिख रहा है वो यार क्या बताऊँ, मेरे को कुछ अजीब सा ही लग रहा है, थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है, थोड़ा फनी भी लग रहा है, एंड यार बता नहीं सकता कैसा लग रहा है हम लोग यार, मेरे को फेस दिखेगा नहीं, ये लोग को दिखेगा, ये लोग को डरने दो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को भाई पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज भाई टैपियारा जो रहते हैं वो हवे मुड़ते रहते हैं, एंड नीचे भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मेरे को बोला बनाना पड़ेगा, एंड बोला के लिए भाई मेरे को सामान है कि नहीं देखने दो एक मिनट, ठीक है मैं देख लेता हूँ।
भाई यार मेरा यहाँ पे गेम क्रैश कर गया था, पर कोई नहीं, मैंने यहाँ पे बना लिया यार, बोला चाहे बोला, ठीक है। सो अभी यार मैं को जस्ट ट्राई करना है मैथिक पे, बिकॉज वाइपर का भी गेम क्रैश किया था साथ में, बिकॉज भाई उसने टॉर्च जला दी थी। अब क्या ही कर सकते यार, लो एंड डिवाइस से थोड़ा सा भाई देखना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं जब तक यार वाइपर नहीं आ जाता, एंड भाई इन लोग को भी ग्ली सूट देना है। सो अभी वेट कर लेते जस्ट, ठीक है, कितना देर वेट करना है हम लोग को। A few moments later. तो भाई यार यहाँ पे देख सकते हो हम लोग तीनों यार गिली सूट में क्या लग रहे हैं। सो छोड़े यार, अभी चलते यार जल्दी से अपने ट्रेनोडॉन को उठा के टैपे यार को ढूंढने, एंड आई होप यार एक अच्छा खासा लेवल का नीचे बैठा हुआ मिल जाए, वरना भाई क्या ही बताऊँ यार, मूड खराब सा हो जाएगा। भाई ये कौन उठ गया भाई, सॉरी यार मैथिक, मैं तेरे को नहीं उठाना चाह रहा था, लिटरली मैं वाइपर को उठाना चाह रहा था, कोई नहीं। सो अभी यार छोड़ो, वाइपर मैथिक को लेके आ जाएगा, मेरे को क्या, मैं चलता हूँ, ठीक है, ढूंढने के लिए, एंड आई होप यार एक अच्छा खासा लेवल का मिल जाए। 2 hours later. तो यार यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज होता था, पर भाई अचानक से यार ये मेरे को बंदा दिखता है, ठीक है, नीचे में ही उड़ रहा था, तो आई थिंक ये अब बैठने वाला है, ठीक है। भाई मैंने इसको क्यों भेजा यार, भाई जेरो, ईवी भाई कहाँ जा रहा है, मैं जेरी बोलना चाह रहा था, जेरी और जेरबो साथ में, छोड़ो यार कोई नहीं। सो अभी देखो मेरे को यार एकदम आराम से भाई इसके पास में जाना पड़ेगा, एंड इसको बोला करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको टीम कर सकते, वरना भाई ये उड़ जाएगा, ठीक है। सो अब जब गिली सूट पहनो तब भी यार क्राउच करके चलना, भाई ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है, अगर आप प्रो हो तो आप भाई भाग के जा सकते हो यार, मेरे को क्या, ठीक है। सो यहाँ पे भाई देख सकते हो 75 लेवल का है, एंड इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, ठीक है। एक सामने भी उड़ रहा था वो 30 लेवल का था, हम लोग पहले देख लेते, पर ये सही लेवल का है। सो अभी इसको पकड़ना है हम लोग को, एंड भाई जस्ट आई होप यार ये नीचे उतर जाए, भाई ये लोग भी आ रहे भागते हुए। ओके चलो नीचे उतर रहा है, आई थिंक सो नीचे उतर रहा है, ओके उतर गया। मैं क्या करूँ, भाग के जाऊँ क्या, चलो भाग के जाते हैं यार आराम से, मेरे को यहीं से बोला कर देना पड़ेगा इसको। ओके तो ये भागा नहीं, ओके भाई फाइनली यार की एम है मेरी यार, भाई एम अच्छा है मेरा। सो अभी जल्दी से यार इसको ट्रैंकलाइजर मारते हैं, भाई जो होता है वो मारते हैं, बिकॉज इसको जल्दी से नॉक कर रहा है हम लोग को। भाई मिथिक क्या कर रहा है यार, मिथिक मार ना भाई, इसको दिक्कत क्या है यार इस बंदे को, ये भाई बोला हो, बोला छूट जाएगा तो भाई ये उड़ जाएगा। देखो मेरे पास भाई ख़त्म हो गया यार, ओके चलो नॉक भी हो गया यार फाइनली। भाई ये अभी नूब वो है कि पहले स्नूब था, ये मिथिक पता नहीं यार, मेरे को ये जस्ट कंफर्म करना है, छोड़ो कोई नहीं। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं इसके लिए सारा ये चीज़ लेके आया था यार लिटरली, क्योंकि एक बार मैं मिस आउट नहीं करना चाहता था, जस्ट ये बात है कि भाई एक बार टीम कर लो तो भाई इसको टीम करके ले जाना घर, एंड ये थोड़े से डेंजरस लग रहा है यार, ये किस खुशी में आ रहा भाई, ये किस खुशी में आ जाता है यार, सोचते क्या है मिठाई देंगे क्या भाई, यहाँ पे चल रहा है अपना नशेबाजी। अच्छा मेरे को लगता है यार मैंने उसको नॉकआउट ही दिया, तो ये बंदा भी यार नशा करने के लिए आ रहा होगा, भाई तेरे को थोड़ी मिलेगा यार, तेरे को टीम नहीं कर रहा, भाई जो टीम होगा यार उसको नशा करने मिलेगा, सिंपल सी बात है, वो भी सस्ते नशे करा रहे यार, महंगे नशे नहीं है अपने पास। A few moments later. तो भाई यहाँ पे एक गलत सीन हो जाता है, यार रैप्टर अटैक कर देता है, एंड उस चक्कर में यार मैं मर जाता हूँ। एक मिनट भाई, इन लोगों ने गेट कहाँ से रख दिया पता नहीं। सो इन लोगों ने, मैं जैसे जैसे ही मरा था इन लोगों ने ये लगा दिया, और ओके ये है ना गेट, सो चलो चलते हैं। और भाई बापरे भाई अंदर जाने में इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा। सो ये देख लो, ये रैप्टर पड़ा है साला हरामी, वैसे गाली तो देना नहीं चाह रहा था, पर भाई क्या ही कर सकते, अपना जो टैप आ रहा है उसका टेमिंग इफेक्टनेस एंड उसका हेल्थ, भाई क्या ही इस बंदे ने खाया है लिटरली यार, मेरे को तो मार ही दिया, एंड भाई ये मैं अपना टैपे आ रहा भी मर जाता, मैं बीच में आ गया इसलिए यार ये रैप्टर मेरे को मारने लगा, इस चक्कर में यार मैं बच चुका हूँ। सो अब भाई देखो कैसे भी टैपे आ रहा है, लो लेवल का वैसे भी टेम कर रहे थे, एंड अब समझ लो यार मैनेज कर लो, वैसे मैं लो लेवल का टेम नहीं करता, एंड भाई ये किस खुशी में यार लिटरली, जानते हो मेन बात बताऊँ तो इन लोगों के कारण हुआ है रैप्टर का अटैक, बिकॉज मैं गया था प्राइम मीट लाने के लिए, देख सकते हो इतना सारा, एंड जैसे ही मैं आया भाई रैप्टर अटैक कर रहा था इस पर, ये लोग दोनों खेलने पे लगा हुआ है अपने भाई टाइम पास को, भाई फिर से डैमेज पड़ी है छोड़ो, तो ये लोग दोनों फुल टाइम पास पे लगे हुए, एंड भाई अपना टाइप पे आ रहा भाई मरते मरते बच गया। अब देख लेते यार, ओके बहुत स्पीड से टेम तो नहीं हो रहा, स्पीड से टेम नहीं हो रहा भाई, ऐसे क्यों बोलता मैं पता नहीं। सो ओके 21 मैप पे आके अटैक चुका है, तो अभी इसको सूदिंग मैप भी मैं ला के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि यार टीम हो जाए जल्दी से, एंड भाई ये लोग फिर यार चालू हो गया अपना खेलना बॉडी के साथ, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता यार सच में, भाई इन लोगों के भरोसे छोड़ना ही नहीं मेरे को टैप यारा को। A few moments later.
तो यार ये बहुत लेट में टेम हो रहा था, तो मैं वाइपर के बेस से सुदीप माम लेने को गया था और भाई उतनी में ये टेम हो जाता है। तो यार वो दिखा नहीं पाया जब वो खाते हुए उठता है एंड काउंटडाउन होता है, सो आई एम रियली सॉरी। बट कोई नहीं यार, इसका मैं सारे अटैक्स दिखाऊंगा बेस पे ले जाने के बाद, बिकॉज यार यहाँ पे जब टेम हो रहा था तब भाई फिर से इस पर अटैक हुआ था एंड एक कैप्रो और दो कार्नो का अटैक हुआ था। सो भाई ये किसी तरह बचा है एंड इसका हेल्थ भी भाई 4 बच गया था। अब यार क्या ही कर सकते हैं भाई, अपना लक था जो कि ये टेम हो चुका है। एंड अभी जल्दी से अपने बेस पे चलते हैं एंड वहाँ पे मैं इसको सारे एबिलिटीज़ दिखाता हूँ, आई मीन इसके एबिलिटीज़ भी हैं, सो लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पे टैपियारा को लेके। एंड भाई मैं यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज यार मेरे को सैडल भी बनाना था स्मिथि में, और भाई इन्वेंटरी में सैडल नहीं बनता तो इसको लेके आना ही पड़ता। एंड अभी इसको स्टॉप कर देते वरना भाई ये हवे में लटके रहेगा। भाई ये ज़िंदगी से परेशान बंदा क्या करना चाह रहा है, किसके ऊपर चढ़ना चाह रहा है, नू वैसा वाइपर। तो यहाँ पे मैं यार देख लेता हूँ टैपियारा का जो सैडल है वो कितने पे खुलता है, आई मीन टैपे जारा टैपियारा, आई डोंट नो लिटरली मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो स्मिथि पे बनता है एंड 55 लेवल पे खुलता है। तो चलो यार जल्दी से भी बना लेते हैं इसका सैडल एंड मैं देख लेता हूँ इसमें मेरे रिसोर्स है कि नहीं। वैसे होना तो चाहिए यार, मैंने कल ही कलेक्ट कर रखा था सारा रिसोर्स। चलो बन तो रहा है अपना एंड अभी जल्दी से बना लेते हैं। तो चलो भाई अपना सैडल बन के यहाँ पे रेडी है एंड अभी जल्दी से अपने टैप को देते हैं, आई मीन टैप है जारा को देते हैं सैडल और मैं उसका एबिलिटीज़ दिखाता हूँ ठीक है क्या क्या है। आई मीन देखो भाई मैं टैप यार लिटरली यार मैंने कभी नहीं चलाया, पर मेरे को उसका एबिलिटीज़ जो है वो उसको लेके यार ये मेरा फेवरेट डायनो है, आई मीन फेवरेट फ्लायर है। बट एक चीज़ का ये है बेकार कि भाई ये कुछ उठा नहीं सकता, आई मीन टर्नोडॉन जो उठाता है वो ये उठा सकता है बस। अगर भाई सब चीज़ उठाता तो यार ओपी डायनो रहता, पर कोई नहीं अपने को क्या। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 सीटर है, आई मीन 3 जन बैठ सकते हैं हम लोग आराम से। भाई ये कौन पीछे मार रहा है यार, किसको पता नहीं यार, ये लोग हमेशा ऐसे करते रहते हैं यार इरिटेट। सो इसका देखो एक चीज़ अच्छा लगता है भाई, इसका मूवमेंट ठीक है, आगे पीछे कहीं भी आप जा सकते हो। और इसका एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपका स्टेमिना लो हो चुका है एंड आपको कोई भी ऐसा रॉक दिखता है तो आप जाओ ऐसे एंड ऊपर स्वाइप कर दो तो आपका कहीं भी टैपियारा जो है वो ऐसे चिपक के बैठ जाएगा। सो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड भाई आपका स्टेमिना भी रिकवर हो जाएगा ठीक है। ये देख लो क्या फनी लग रहा है, देखने में लग रहा है ऐसे तितली है, आई मीन बटरफ्लाई लग रहा है। सो यही था सब बस और एबिलिटी। एंड एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यार मैं जब लेके आ रहा था उसको तो ये देखो ये अटैक क्या चीज़ है, आई मीन इससे क्या होता है आप जाके कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है। आई डोंट नो भाई अजीब सा फनी लग रहा है, जब ये डरता है तब कहता है, पर कोई नहीं। सो अभी देखो बस इसका इतने ही सारे अटैक्स थे एंड इसका रिकवर भी होता है स्टेमिना, अगर आप हवे में रहोगे और इसका सीट चेंज कर दोगे तो आपका स्टेमिना रिकवर हो जाएगा जहाँ तक मेरे को पता है ठीक है। अगर नहीं होता हुआ तो सॉरी एंड आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो भाई यार आज की वीडियो में बस इतने तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहाँ पे इंस्टा और डिस्कॉर्ड का लिंक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड मिलता हूं आपसे मैं नई और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, सो टेक केयर एंड गुड बाय। सो यार एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम ज़रूर बताना अगर लास्ट तक देख रहे हो।